नमस्कार, मैं रविश कुमार। कई बार हम अपना कार्यक्रम इस सवाल से शुरू करते हैं बड़े भारी भरकम तरीके से कि क्या आपको पता है, लेकिन सच ये है कि हमें ही पता नहीं होता है। जब रिसर्च के दौरान पता चल जाता है तो हम शेखी बघारने आ जाते हैं कि क्या आपको पता है। जैसे मुझे नहीं पता था और आज शाम 5:22 पर पता चला कि आग बुझाने वाली लाल रंग की जो गाड़ी हम अपने शहरों में हनहनाते हुए घरों तक आते देखते हैं उसकी कीमत 40 से 50 लाख रुपए होती है और ऑर्डर करने पे 6 महीने में बनकर आती है। बनी बनाई शोरूम में उपलब्ध नहीं होती। टाटा कंपनी, हिंदुजा को ऑर्डर देने पर ये बनती हैं गाड़ियाँ। इस गाड़ी को आप देखते ही होंगे, इसके ज़रिए आप 35 फीट ऊंचाई तक आग लगने पर बुझा सकते हैं। आबादी के हिसाब से फायर स्टेशन होता है। ये दिल्ली की तस्वीर है। पुरानी दिल्ली में जहां आबादी का घनत्व अधिक है, वहां दिल्ली में सबसे अधिक फायर स्टेशन है। दिल्ली में और भी कई इलाके हैं जहाँ आबादी का घनत्व अधिक है, क्या वहाँ भी उसके अनुपात में फायर स्टेशन है? इन सब सवालों का जवाब ढूंढना ही सूरत की घटना से सबक लेना होगा। हर दिन भारत में 54 लोग आग में जलकर मर जाते हैं। हर दिन भारत में सूरत जैसी घटना के बराबर 2 अग्निकांड हो जाता है। 24 मई को सूरत के तक्षशिला आर्केड में आग लगने से 22 लोगों की मौत हुई। इनमें 17 छात्र छात्राएं हैं। इस घटना के बाद सारी बहस इस तंज तक सिमट कर रह गई कि हम 3,000 करोड़ लगाकर सरदार पटेल की मूर्ति तो बना लेते हैं, मगर स्मार्ट सिटी सूरत में आग बुझाने के लिए एक सीढ़ी तक नहीं खरीद पाते। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट सूरत में ही सबसे ज़्यादा पूरे हुए हैं। इस तरह से हम किसी घटना पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपने आप अपने अपने काम में लग जाते हैं। जैसे आप गुजरात के मुख्यमंत्री का ट्वीट देखिए, सूचक पटेल नाम के एक नागरिक ने मुख्यमंत्री को ट्वीट किया है कि जिस दिन घटना हुई है उस दिन आपने 31 ट्वीट किए हैं। मात्र एक ट्वीट आग की घटना पर है और बाकी 30 ट्वीट प्रधानमंत्री की जीत के कार्यक्रम से संबंधित है या बधाई से संबंधित है। इस तरह से कॉपी चेक होती रहनी चाहिए मुख्यमंत्रियों की। मुख्यमंत्री ने भी वैसे बाद में कड़ी कार्रवाई की बात की है, लेकिन हमारा फोकस सूरत ही नहीं, देश भर में आग बुझाने के सिस्टम पर है, उसके बजट पर है, उसके उपकरणों पर है। तो आज हम सभी ने तय किया कि आग से संबंधित जितनी जानकारियां हैं आप तक पहुंचा देंगे। तो सुशील महापात्रा, कर्मवीर, बानी बेदी, वृंदा शर्मा सब जुट गए कि हम आपको क्या इस बारे में नया बता सकते हैं। 24 मई की सूरत की घटना से पहले इस शहर में, सूरत में ही, 26 नवंबर को कोचिंग सेंटर में आग लगी थी जिसमें एक टीचर और छात्र की जलकर मौत हो गई थी। तब शिक्षा मंत्री ने कहा था कि कोचिंग सेंटर के लिए फायर सेफ्टी को लेकर नीति बनेगी। सूरत में जांच हुई, सर्वे हुआ और पाया गया कि ज़्यादातर कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं है। कागज़ पर सरकार ने अपना काम किया और कागज़ पर ही सरकार अपने काम को जमीन पर लागू नहीं कर पाई, जबकि सुझाव ये था कि इन कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाए। इसके बाद भी कोचिंग सेंटर चलते रहे। 30 जनवरी को अहमदाबाद, नवम्बर के बाद अहमदाबाद के आस्था कोचिंग सेंटर में आग की घटना होती है। 27 बच्चे फंस गए थे मगर बचा लिया गया। उसके बाद 150 कोचिंग सेंटर को नोटिस भी भेजा गया, लेकिन क्या सबने आग बुझाने की व्यवस्था की? हमारे पास इसका ठोस उत्तर नहीं है। फिक्की की एक रिपोर्ट है जो 2017 में आई थी, उसमें कहा गया है कि एजुकेशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और अस्पतालों के साथ साथ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भ्रष्टाचार और फ्रॉड के बाद आग सबसे बड़ा कारण है, खतरा है। हम सब जानते हैं मगर हम कुछ नहीं करते। आग लगने की घटना के बाद हम चुप हो जाते हैं। हम कभी नहीं देखते कि एक घटना के बाद सिस्टम में क्या सुधार आया। यह बात हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे बाजार, कोचिंग सेंटर, अन्य इमारतों में फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं होता है। इसी के बीच एक अच्छी बात यह है कि हाउसिंग सोसाइटी में भीतर से फायर सेफ्टी के कुछ इंतजाम होते हैं और उन्हें नियमित ड्रिल वहाँ पर होती रहती है, लेकिन आग बुझाने की सरकारी व्यवस्था क्या है, क्या वो पर्याप्त है, इसकी जानकारी ज़रूरी है। सबसे पहले हम जान लें कि फायर सेफ्टी का काम राज्यों का है, जो दरअसल नगरपालिकाओं द्वारा संचालित होता है। राज्यों में इसके लिए पैसा शहरी विकास मंत्रालय से दिया जाता है और नगरपालिकाओं को भी अपना बजट पैदा करना पड़ता है, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं। तो वो नगर पालिकाओं को राज्य सरकार कितना पैसा देती है ये जानेंगे तो मूड खराब हो जाएगा। फिर भी ये केंद्र का विषय नहीं है, हम क्रमवार चलते हैं। मई 2016 में राजेंद्र अग्रवाल नाम के सांसद ने बीजेपी के, उन्होंने सवाल पूछा था जिसके जवाब में पिछले गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि राज्यों को फायर सेफ्टी पर सलाह देने के लिए स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल है,
इसकी बैठक में बहुत सारी चीजें तय हुई थी और इसके अनुसार शहरों में 5 से 7 मिनट में और गांवों में 20 मिनट में दमकल गाड़ी पहुंच जानी चाहिए। भारत में 8,559 फायर स्टेशन की जरूरत है, लेकिन फायर स्टेशन 2,987 ही हैं, यानी 65% की कमी है। फायर स्टेशन ही नहीं है, बाकी का तो छोड़ दीजिए आप। तो 2009 से 2015 के बीच केंद्र सरकार ने मात्र, जो हमें डेटा मिला, हो सकता चूक हुई हो, लेकिन हमने बहुत सावधानी से देखा कि इन सालों में मात्र 201 करोड़ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया केंद्र की तरफ से। 10वें, 11वें और 12वें वित्त आयोग के प्रस्ताव के अनुसार राज्यों को कुल मिलाकर 685 करोड़ दिए गए, ये भी एक डेटा मिलता है। अलग अलग राज्यों का बजट देखना होगा कि वे फायर सेफ्टी पर कितना पैसा खर्च करते हैं। फिलहाल सेंटर का, यानी केंद्र सरकार का जो डेटा है, उससे नहीं लगता कि हम फायर सेफ्टी पर खर्च को प्राथमिकता देते हैं। मुंबई शहर में 68 फायर स्टेशन होने चाहिए, लेकिन हैं 34। 1 मार्च 2019 को मुंबई मिरर में खबर छपी है, फरवरी 2019 में वहां की विधानसभा की लोक लेखा समिति की एक रिपोर्ट पेश की गई, जो रिपोर्ट 2017-18 की है। तो मुंबई में 10,470 फायर हाइड्रेंट हैं, यानी जब वो पानी फायर हाइड्रेंट है, और इसमें से मात्र 1131 फायर हाइड्रेंट काम करने की स्थिति में है। 2010 से लेकर 2015 के बीच 1,072 करोड़ रुपए दिए गए, मगर बीएमसी मात्र 424 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई। ये मुंबई की हालत है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज नाम की एक संस्था है जो 1900 में बनी थी पेरिस में। इसके 39 देश सदस्य हैं, भारत सदस्य नहीं है, मगर रिपोर्ट में 80 देशों और 90 राजधानियों का हर साल अग्निशमन के मामले में स्थिति को प्रकाशित किया जाता है। तो 2019 की रिपोर्ट में हमने देखा तो पता चला कि इनके पास भारत के बारे में 215 तक का ही डेटा है, दिल्ली के बारे में, राजधानियों के बारे में, और इस रिपोर्ट को आप भी देख सकते हैं। तो इसमें पता चलता है कि औसतन हर साल 20,000 से अधिक मौतें होती हैं भारत में। भारत में अप्राकृतिक रूप से होने वाली मौतों के मामले में आग तीसरा बड़ा कारण है। पहला कारण क्या है? कार दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, और दूसरा डूबना, और तीसरा आग। दुनिया में आग लगने से सबसे अधिक मौत भारत में हुई, जो इस अध्ययन के दौरान बताया गया था। इसमें औसतन हर साल यहां 20,668 लोग मारे जाते हैं, जलकर मर जाते हैं। दूसरे नंबर पर रूस है, जहां पर 10,109 लोग एक साल में जलकर औसतन मर जाते हैं। अमेरिका में देखिए कितना कम हो जाता है, एक साल में 3,244 लोग आग के कारण मरते हैं। आग लगने के मामले में दिल्ली का स्थान दुनिया की राजधानियों में 35वें नंबर पर आता है, लेकिन आग से होने वाली मौत के मामले में दिल्ली का स्थान 10वां है। सिंगापुर की आबादी बहुत छोटी है, 56 लाख है, फिर भी उसके अनुपात में यहाँ एक साल में आग से सिर्फ 2 लोग की मौत होती है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज में ही एक आंकड़ा और है, जिससे पता चलता है कि टोक्यो में, जहां 310 लोगों की आबादी पर एक फायर फाइटर है, न्यूयॉर्क में जहां 774 लोगों पर एक फायर फाइटर है, लंदन में जहां 1452 लोगों पर एक फायर फाइटर है, दिल्ली में 4,978 लोगों पर एक फायर फाइटर है। सुशील महापात्रा ने दिल्ली फायर सर्विस के मुख्यालय गए, वो वहां पर गए और उनके प्रमुख से बात की। ये मुख्यालय कनॉट प्लेस में है। दिल्ली में 72 फायर स्टेशन होने चाहिए, मगर सुशील को बताया गया कि 64 हैं। कुल मिलाकर सिस्टम के मामले में दिल्ली में स्थिति बेहतर तो नजर आई, ऊपर से भीतर से क्या हालत है अभी हम बताते हैं, पहले आप सुने। कई सवाल ये उठाया जाता है कि दिल्ली में भी हम लोग जो है ठीक से तैयारी नहीं करते, क्योंकि कई फायर स्टेशन जो है वहां पर स्टाफ की कमी है, फायर स्टेशन जो है वो जितना होना चाहिए था वो नहीं है, तो ये कितना सच है? फायर स्टेशन दिल्ली में कमी नहीं है, 64 हम लोग पहुंच चुके हैं, टोटल 72 होने थे, तो हम लोग ऑलमोस्ट 90% के करीब फायर स्टेशन बन चुके हैं। स्टाफ की थोड़ी कमी थी पहले, अब जो है करीब 580 लोग जो है भर्ती हो चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग जारी है, तो ये जून में जो है ये हमें ज्वाइन कर लेंगे, तो फायर की जो स्टाफ की कमी है वो इतनी नहीं रहेगी। अच्छा, फायर सर्विस की अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तैयारी की कोई कमी नहीं है, ना कोई हमारे पास लैडर की कमी है, ना कोई किसी इक्विपमेंट की कमी है। अच्छा। सभी सावज सामान जो है दिल्ली फायर सर्विस में भरपूर है। दिल्ली की भी समस्या वही है कि जो अनऑथराइज कॉलोनी बन गई है, जो छोटी छोटी जगह है, उनके अंदर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जहाँ पे गाड़ी जा नहीं सकती है, तो
और वहाँ पे तंग गलियाँ हैं और उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, ज्यादातर रेजिडेंशियल कॉलोनी में ये क्लासेस चलती हैं। तो मेजर समस्या जो वो ये है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं, जब आप पहुँचेंगे नहीं तो आप आग बुझाएंगे कैसे। और एक रिपोर्ट भी आया था 2017 में जो सरकार अपनी पार्लियामेंट में पेश की थी, तो कुल मिला के देश में 8,500 करीब जो है फायर स्टेशन होना चाहिए, लेकिन शायद 60% कम है, करीब 3,000 करीब है, तो ये भी एक समस्या है। देखिए दिल्ली में तो इतना कमी नहीं है, मैंने बताया 72 था और हम 64 में पहुंच चुके हैं, बाकी का लैंड हमें अलॉटेड है और उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बाकी देश में हो सकता है कमी हो। फिर मैं फिर भी इस बात को ये कहूंगा, अगर आप टाइम से पहुंच जाते हैं, कोई भी फायर शुरू में बहुत छोटी फायर होती है, अगर आप ये सूरत वाली फायर को देखें, ये ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हुई थी, ग्राउंड में इसमें आग लगनी शुरू हुई थी, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, और फिर ये धीरे 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 बढ़ी बिकॉज गाड़ियां वहां पे पहुंची, थोड़ा लेट पहुंची मे बी बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, और दो फ्लोर जो थे ऊपर के अनऑथराइज थे, उनमें कोई फायर फाइटिंग सिस्टम था ही नहीं, पूरे बिल्डिंग को एनओसी था ही नहीं। तो मेजर कंसर्न जो डेथ का है या ये होता है, ये इस वजह से होता है कि बिल्डिंग को प्लानिंग से बनाते हम नहीं है, उसमें रास्ते ठीक से छोड़ते नहीं है, या जो रास्ते होते हैं उनमें भी अनऑथराइज बाद में हम केबिन बना लेते हैं कब्जा। तो फायर का डेथ जो होता है वो इस वजह से होता है, फायर कर्मी कम है यस, उससे कर्मी को परेशानी होती है, जो फायर ब्रिगेड में आदमी उसको काम ज्यादा करना पड़ता है, अगर ज्यादा आदमी होंगे आपके हिस्से में काम कम आएगा, पर उस वजह से डेथ हो रही है आदमियों की कमी से, ये कहना बहुत मुश्किल। तो एनओसी को लेकर भी कई सवाल उठाए जाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं जो लो राइज बिल्डिंग होता है वहां पर एनओसी नहीं दिया जाता है, जैसे अहमदाबाद में एक अस्पताल में आग लगा तो पता चला कि वो लो राइजिंग बिल्डिंग था, उसके लिए एनओसी इशू नहीं हुआ था, तो क्या लो राइजिंग बिल्डिंग के लिए एनओसी इशू नहीं होते हैं? नहीं, या होना नहीं चाहिए? दो चीजों में फर्क है, एनओसी इशू नहीं होता है पर उसको फायर फाइटिंग अरेंजमेंट करने हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए, ये इसलिए किया गया था जो छोटे अस्पताल है या छोटे शॉपकीपर है उनको लाइसेंसिंग ना करनी पड़े, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किया गया था कि थोड़ा आदमी को परेशानी हो जाएगी, परेशानी कम हो जाए, वो फॉर्म भरेगा जाएगा इंस्पेक्शन कराएगा, जो छोटे उद्यमी है उनको लाइसेंस ना लेना पड़े, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट नहीं करेगा, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट उसने अपने आप करने हैं, उसको सिर्फ लाइसेंस ना लेने की या एनओसी ना लेने की छूट दी है। और ये किलोमीटर में कितना फायर स्टेशन होना चाहिए, इसका कोई नियम है क्या? ऐसा मेरे को याद नहीं पड़ता कोई नियम है, पॉपुलेशन के हिसाब से शायद नियम था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, पर किलोमीटर के हिसाब से शायद मेरे को ऐसा लगता है कि कोई नियम मेरे को याद नहीं। तो कैसे फायर स्टेशन बनते, क्या वो जगह देखते कि कितना कंजेस्टेड है क्या है इसकी? देखिए दिल्ली में तो जो हम बनाते हैं फायर स्टेशन वैसे बनाते हैं, उसका हजार्ड एरिया मैपिंग करते हैं कहाँ पे हजार्ड ज्यादा है, जैसे कि अभी आप देखेंगे गाजीपुर में पेपर मर्चेंट का पूरा शिफ्ट हो रहा है, पूरा दिल्ली का आसपास का पेपर का शॉप, क्योंकि पेपर में आग लगने का चांस ज्यादा, तो हम वहाँ एक फायर स्टेशन खोल रहे हैं। इसी तरह से नरेला में सारे केमिकल ट्रेडर्स जा रहे हैं, तो वहां पे हम एक फायर स्टेशन खोल रहे हैं कि केमिकल में आग लगने, तो हमने हजार्ड मैपिंग की हुई है कहाँ पे कंजेस्टन ज्यादा, मान लीजिए बहुत कंजेस्टेड जगह है वहां पे छोटी छोटी गलियां जाने में टाइम ज्यादा लगता है, तो वहां पे स्टेशन ज्यादा खोल रहे जिससे कि आस पास से गाड़ियां इधर से नहीं गई दूसरी तरफ से चली गई, इस हिसाब से दिल्ली में खोले गए। तो दिल्ली में आप कह रहे 250 करीब जो है वो फायर ब्रिगेड गाड़ियां है, और मैंने एक जो हाई राइजिंग बिल्डिंग पहुंचने वाला गाड़ी देखा जो पीछे आपका है, तो क्या वो भारत में बनता है या बाहर से आया है? नहीं, ये जो हाई राइज का जो होता है इसको हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म कहते हैं, इंपोर्ट होता है, इंडिया में नहीं बनता, और इसको अब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो मिनिमम 1.5 से 2 साल लग जाते हैं इसको आने। और कितने पैसा इसमें लगभग लगता है? ये करीब 10 करोड़ रुपए का आता है। 10 करोड़, आपके पास कितना है ये? हमारे पास अभी वर्किंग कंडीशन में 3 है। अच्छा, और 2 हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ दिल्ली के लिए। दिल्ली ऑल इंडिया में कितने होगा कुछ आइडिया? नहीं, ऑल इंडिया का। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि लोग जो है वो उनको भी कंसर्न होना चाहिए, जो सोसाइटी है उनको भी सोचना चाहिए, जो फायर अगर लगता है तो उन्हीं की नुकसान है, इसलिए उनकी जो सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, ये मैं बिल्कुल हमेशा कहता हूँ, फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आप रूल बना दीजिए डेथ हो गई तो डेथ, जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, उसमें पब्लिक भी है, उसमें दुकानदार भी है, उसमें बैंक डॉल वाला भी है, तब तक ये नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो स्कूल का एनओसी क्यों नहीं पूछते, आप खाना खाने जा रहे हो तो आप क्यों नहीं पूछते कि आपके पास एनओसी फायर का है, नहीं है तो आप क्यों नहीं ले रहे, हम इसमें खाना नहीं खाएंगे। मतलब जब ये कस्टमर ये डिमांड करने लगेगा तो मुझे लगता है कि बिजनेसमैन भी अभी फिर थोड़ा सा जागरूक होगा, ये हम सबको मिलजुल के करना है, वरना ये भी आप हम एक पे कह देंगे कि ये फायर ब्रिगेड की गलती थी, फायर ब्रिगेड कह देगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गलती थी, उससे काम चलने वाला नहीं।
और ये जो एनओसी इश्यू करते हैं वो आप लोग नहीं करते हैं, वो कोई दूसरा एमसीडी करता है? जो लाइसेंस है वो एमसीडी करती है, मतलब आप किसी बिल्डिंग में आप कोई काम करना चाहते हो उसका एक लाइसेंस लेना पड़ता है, वो लाइसेंस एमसीडी करती है, कुछ केस में दिल्ली पुलिस करती है। दिल्ली पुलिस हमको चिट्ठी लिखती है कि भाई ये आदमी यहाँ पे काम खोलना चाहता है, रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, गैस हाउस, तो हम जाते हैं इंस्पेक्शन करके, हम अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस या एमसीडी को सबमिट कर देते हैं, उसके बाद वो अपना और भी लाइसेंस रिपोर्ट लेके लाइसेंस इश्यू करती है। तो जैसे आप इतने दिनों से सर इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ये कुछ कमी आप बता सकते हैं जो जरूरी है, क्योंकि ये फायर रोकने के लिए या लोगों की जान बचाने के लिए? देखिए कमियां फिर मैं यही दूंगा, कमियां अब जब हम दिल्ली को बना रहे हैं, बढ़ती जा रही है दिल्ली, उसका कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कोई हमारा उसका मैपिंग नहीं हो रहा कि कहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, फिर हम उसको एक दिन अचानक वहाँ पे 10-20 हजार घर बन जाते हैं, उनको ऑथराइज कर देते हैं, उस जगह में हम जा नहीं सकते, गाड़ी जा नहीं सकती, पानी का कोई साधन नहीं है वहाँ पे आपको, तो वहाँ पे अगर आग लगेगी तो कैसे बुझेगी आप बताएं मेरे को, आग बुझाने का कोई तरीका ही नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी घटना याद आती है मेरे को अभी आपसे बात करते हुए, संगम विहार में एक बार मैं कॉल मिली थी, 8-7 साल पुरानी बात है, कि वहाँ बिल्डिंग गिर गई है, तो क्योंकि कॉल बहुत आ गई थी, फंसे हुए लोग थे, तो मेरे को भेजा गया कि आप भी तुरंत जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जैसे, मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, मेरे जैसे दो आदमी उस गली में चल नहीं सकते थे, उस गली के अंदर घर बन रहा था अनंतराय जी, वो गिर गया, और आप बताइए उसमें से कैसे, हम कोई गाड़ी नहीं आ सकती, तो आप ईंट भी हाथों से उठाएंगे, कोई डंपर नहीं आ सकता, तो उसमें से रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे होगा, जो दबे थे वो दबे रहेंगे। अच्छा, तो ये समस्या है, तो आपको लगता है कि वो जो आज सोसाइटी सरकार को ऐसा प्लानिंग करना चाहिए जिससे गाड़ियां आसानी से पहुंच जाए, और ज्यादा अनऑथराइज जो कॉलोनी है वो भी नहीं बनना चाहिए, नहीं अगर ये बनती है तो ये मतलब मेरा ये कहना चाहिए जो भी कॉलोनी हम बन रही है कहीं, कम से कम उसमें इतनी जगह होनी चाहिए कि फायर टेंडर वहां तक जा सके, सो देट हम जाके आदमियों की जान बचा सके। अगर हम ही नहीं जा सकते वहां पे, हमारी गाड़ी नहीं जा सकती वहां पे, कोई पानी का सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो अगर आग लग गई तो हम पहुंच गए, हम खड़े, हमने गांधीनगर और ये जो ईस्ट दिल्ली के कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करके आधा आधा किलोमीटर तक हॉज बिछाया है, तब हम पहुंच गए, क्योंकि गाड़ी अंदर जा नहीं सकती थी, तो आपको पानी ले आने के लिए आधा किलोमीटर हॉज, आप समझ सकते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। दिल्ली में फायर स्टेशन के लिए जितने कर्मचारी है उतने नहीं है, नियुक्ति की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि धीमी गति के समाचार भी स्पीड न्यूज लगते हैं। 1 अप्रैल 2019 के हम टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहे थे, आरटीआई के आधार पर खबर है, और इसके अनुसार दिल्ली फायर सर्विस में 48% पद खाली हैं। दिल्ली में 3,312 पद स्वीकृत हैं, इसमें से 1,583 पद खाली हैं, और सीनियर लेवल पर 5 में से 3 पद खाली हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली के करोल बाग में 11 फरवरी 2019 को एक होटल में आग लगी, इस घटना में 17 लोगों की मौत हुई, काफ़ी नोटिस जारी हुई, लेकिन फिर आप गारंटी से फिर भी नहीं कह सकते हैं कि दिल्ली की इमारतों ने आग के मामले में सुरक्षा के इस्तेमाल को लेकर पहल की होगी, पहले से कुछ बेहतर हुआ होगा, सिस्टम की तरफ से भी और मार्केट संघ और रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भी ठोस पहल ना होने की गारंटी ही ज़्यादा है, कि बहुत सारे बाजार ऐसे हैं कि जहां पर ध्यान नहीं रखा जाता। ध्यान रखिए कि हम दिल्ली मुंबई की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर धनबाद इंदौर की बात करने लगेंगे तो पता नहीं वहां क्या हालत निकलेगी। जैसे दिल्ली में आग बुझाने वाली ये जो गाड़ी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राष्ट्रमंडल खेलों के समय ही आई, इस गाड़ी को ब्रांटो स्काई लिफ्ट कहते हैं, ये 70 मीटर के करीब ऊपर इससे सीढ़ियां जाती हैं, पूरी दिल्ली के लिए यही एक स्काई लिफ्ट है, कहीं भी आग लगेगी तो यही गाड़ी जाएगी, और इसके जरिए 20 से 23 मंजिल तक ही पहुंचा जा सकता है। इससे इस एक मशीन की कीमत 10 करोड़ बताई गई हमें। दिल्ली के पास 5 ऐसी स्काई लिफ्ट हैं जो 45 मीटर तक जा सकती हैं, 3 ही हैं और 2 का भी ऑर्डर दिया गया। ये मशीन फिनलैंड से आई है आयात होकर, इसके जरिए बाहर से आप पहुंच सकते हैं किसी इमारत की खिड़की तक, लेकिन हमें बताया गया कि आग की सुरक्षा का इंतजाम भीतर से हो तो बेहतर है। जो हाई राइजिंग बिल्डिंग है उसके लिए हमारे पास हाई राइजिंग लैडर नहीं है, ये कितना सच है? ये देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उसकी फायर कभी भी बाहर से नहीं फाइट की जाती, बिल्डिंग के अंदर जाके फाइट की जाती है। अगर आप देखेंगे दुबई का एक एग्जांपल दूंगा, बुर्ज खलीफा बन गई है, वो करीब 250 मीटर से ऊपर बिल्डिंग है, तो 250 मीटर की तो सीढ़ी नहीं बन सकती है, क्योंकि एक हाइट के बाद एयर विंड डायरेक्शन इतना, विंड का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पे गाड़ी खड़ी ही नहीं हो सकती है, लैडर स्टेबल नहीं होती है। तो जो भी हाई राइज बिल्डिंग होती है उनकी फायर बिल्डिंग के अंदर से, जो अंदर के इक्विपमेंट लगे होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम, हॉल,
कंपार्टमेंट है, उनकी सहायता से आग बुझाई जाती है ना कि बाहर से। तो हमारे पास जो गाड़ियां हैं वो कितना है कुल मिला के, दिल्ली की बात अगर हम करें तो? टोटल दिल्ली में अभी हमारे पास 250 करीब गाड़ियां हैं, तो गाड़ियों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। अच्छा, और ये जो गाड़ियां हैं ये कितने दिन में मिल जाते हैं, आप ऑर्डर देने के बाद कितने दिन लग जाते हैं? देखिए, ये गाड़ी में क्या है कि हम चेसिस अलग खरीदते हैं और गाड़ी की फिर बॉडी जो है अपने हिसाब से बनवाते हैं, तो अगर ऑर्डर प्लेस करने के बाद 6 से करीब 7 महीना लगता है इस गाड़ी को बनने में। अच्छा, और कितने पैसे खर्च होते हैं? अप्रोक्सीमेट गाड़ी की कॉस्ट करीब 50 लाख रुपए। तो सोचिए, सीढ़ी की भूमिका है, लेकिन आप नियमों और मानकों का पालन नहीं करेंगे तो खुद को और दूसरे की जान को खतरे में डालेंगे। हाइड्रोलिक सीढ़ी को लेकर व्हाट्सएप मैसेज बनाने से कुछ नहीं होगा। जब राज्य सरकारें बजट पेश करें तो पता कीजिए कितना पैसा अग्निशमन विभाग को दिया गया है। कुछ पैसा नगर पालिकाओं का भी दिया जाता है, उनका बजट पता कीजिए और ये भी पता कीजिए कि खर्च कितना हुआ। दबाव बनाइए कि आग बुझाने के सिस्टम पर आबादी के हिसाब से ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, वरना जिस तरह से हम करोल बाग की घटना से कुछ नहीं सीखे, सूरत की घटना से भी कुछ नहीं सीखेंगे। हमें अलग अलग नगर पालिकाओं के हिसाब से जानकारी नहीं मिल सकी कि किसका कितना बजट है, किस शहर में दमकल गाड़ियां हैं या नहीं हैं, कितनी होनी चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे कि पूरे बिहार में 107 फायर स्टेशन है। सोचिए, आबादी के हिसाब से 9.25 लाख पर एक फायर स्टेशन, क्या हाल होगा। फायर विभाग की वेबसाइट के अनुसार 1128 पद खाली हैं। 217 की एक जनहित याचिका के बारे में खबर छपी मिली टाइम्स ऑफ इंडिया में कि वहां सभी ड्राइवर के जितने भी पोस्ट हैं, 969 पोस्ट, वो सब खाली हैं और 221 पद हैं चीफ फायर ड्राइवर के, उसमें मात्र 52 हैं। 881 थानों में एक छोटी सी दमकल गाड़ी स्वीकृत है, लेकिन 197 थानों में ही ऐसी गाड़ी है। जिले में एक फायर स्टेशन है, बिहार में एक जिले में एक फायर स्टेशन। इसलिए बेहतर है कि हम आग को लेकर थोड़ा सतर्क रहें कि राज्य के पास इंतजाम नहीं है, घटना हो जाएगी, लोग मर जाएंगे और पेपरबाजी होती रहेगी। इसलिए बेहतर है पता कीजिए कि आग बुझाने की इस व्यवस्था में क्या कुछ सुधार हुआ है। सीएजी की वेबसाइट पर हम गए देखने के लिए, तो वहां एक रिपोर्ट महाराष्ट्र को लेकर मिली। इसके अनुसार इस रिपोर्ट में है कि महाराष्ट्र की 26 नगर पालिकाओं में से 8 ने अपने फायर बजट का 78% हिस्सा 2010 से लेकर 2015 के बीच खर्च ही नहीं किया। उपकरण तक नहीं खरीदे, गाड़ियां तक नहीं खरीदी, सीढ़ियां तक नहीं खरीदी। जब कुछ भाई लोग करेंगे नहीं तो ये आग कैसे बुझेगी। सिर्फ कोचिंग संस्थान ही नहीं, यहां तक कि पेट्रोल पंप में भी फायर सेफ्टी के जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होते हैं वो बगैर उसके पेट्रोल पंप और गैस के जो सिलेंडर के जो डीलर के जो जगह होते हैं वो चल रहे हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है। 2018-19 के लिए हमने पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट चेक किया, मराठी में था तो अपने एक मित्र से पूछवाया, आप हैरान हो जाएंगे। पुणे में अग्निशमन के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट है, इसमें से 14 करोड़ सैलरी वगैरह पर समाप्त। गाड़ियों के रखरखाव पर मात्र 28 लाख रुपए और नए उपकरणों के लिए एक नया पैसा नहीं है। ये तो बजट का आवंटन हमने बताया, वास्तविक खर्चा तो और भी कम होता है। बजट में लिखा होता है, उसके बाद देखना होता है कि खर्चा कितना हुआ, दिया कितना गया। डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड है पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो हो सकता है उस फंड का भी इस्तेमाल इसमें हो रहा हो। तो कुल मिलाकर देखिए कि हालत वहां कितनी खराब होगी। अभी हमने आपको अस्पतालों के बर्न वार्ड की हकीकत नहीं बताई है। बेशक हम मूर्तियों के बनाने पर काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे सरकारें बन जाती हैं, उस पर बहस कीजिए अलग से। 3,000 करोड़ रुपए की मूर्ति बनाएंगे तो क्या होगा, ये आप अलग से सोच लीजिए। मन नहीं भरता तो 10,000 करोड़ की बनाइए, लेकिन अलग से ये भी देखिए कि जहां मूर्तियां नहीं बन रही हैं क्या वहां अग्निशमन को लेकर कुछ हो रहा है। 2019-20 के लिए पूरे तमिलनाडु के लिए फायर सेफ्टी का बजट मात्र 403 करोड़ रुपया है। अब आते हैं पॉजिटिव जानकारी के लिए, एंड पॉजिटिव जानकारी से करनी चाहिए। हम अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक, जो होमगार्ड की वेबसाइट है उस पर गए। ये विभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आता है। इस वेबसाइट पर जाकर फायर सर्विसेज पर क्लिक किया तो पहली लाइन ये लिखी मिली, द फायर सर्विसेज आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। सोचिए, यानी
भारत में अग्निशमन सेवाएं बहुत संगठित नहीं है, हम कितनी शान से लाइन लिखकर बैठे हुए हैं, फिर क्यों रोते हैं कि आग लगी तो बुझाने वाला कोई नहीं आया। अब सवाल दूसरा है, सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि प्राइम टाइम के लिए घंटों लगाकर तैयार की गई इस जानकारी का क्या असर होगा। जवाब सिंपल है, कोई असर नहीं होगा। ब्रेक के बाद वाराणसी चलेंगे, जहां दूसरी बार जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं और वहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया है। आज उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को दिशा दे रहा है, आज उत्तर प्रदेश स्वस्थ लोकतंत्र की नींव को और मजबूत कर रहा है, उत्तर प्रदेश ने 77 में लोकतंत्र के लिए सारी दीवारें तोड़ करके लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा बता करके देश को एक दिशा दी थी, ताकत दी थी। लेकिन 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, ये हैट्रिक छोटी नहीं है जी, ये तत्कालीन किए गए निर्णय नहीं है। उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब परिवार का व्यक्ति भी भारत के उज्जवल भविष्य की दिशा क्या हो सकती है इसके विषय में सोचता भी है और उसी की दिशा में चलता भी है और देश को चलने के लिए प्रेरित भी करता है। उत्तर प्रदेश के ये 14, 17 और 19 इन तीन चुनावों के योगदान को भारत की राजनीति, भारत की समाज नीति, भारत की मतदाता दिया व्यवस्थाएं किस प्रकार से बदल ला रही है, इसका एक अद्भुत विराट रूप के दर्शन कराए हैं। और तीन तीन चुनाव के बाद भी अगर पॉलिटिकल पंडित की आंखें खुलती नहीं है, तीन तीन चुनाव के बावजूद भी पॉलिटिकल पंडितों के कान पर आवाज नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब है कि उनके विचार, उनकी सोच, उनके तर्क काल बाह्य हो चुके हैं। वो 20वीं सदी के लिए हैं, 21वीं सदी के लिए नहीं है। पचास पचास पेज का जिनका बायोडेटा बनता होगा, प्रोफाइल बनता होगा, इतनी डिग्रियां होगी, इतने पेपर लिखे होंगे, न जाने क्या क्या कुछ हुआ होगा, लेकिन उनकी तुलना में जमीन से जुड़ा हुआ एक गरीब आदमी, उसकी समझ सकती कहीं गाना ऊंची होती है, बहुत दीर्घदृष्टि होती है। और हम उसी के प्रति श्रद्धा रखते हुए, उसी के प्रति समर्पण भाव रखते हुए और उसी के सहारे, उसी की शक्ति के भरोसे राष्ट्र की राजनीति में एक नई व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव परिणाम वो तो एक गणित होता है, जिसको 200 वोट मिले हैं और दूसरे को 201 मिला है तो विजेता तो 201 वाला होने वाला है, 200 वाला नहीं होने वाला है। परिणाम का आधार तो गणित समझ सकता हूं मैं, 20वीं सदी के चुनावों के हिसाब किताब भी गणित और अंकगणित के दायरे में चले होंगे, लेकिन चाहे वो 2014 हो, 2017 हो या 2019 हो, देश के राजनीतिक विश्लेषकों को मानना होगा कि एरिथमेटिक के आगे भी केमिस्ट्री होती है। गुणा भाग,
गुणा भाग का हिसाब किताब के परे भी एक केमिस्ट्री होती है जी। देश में समाज शक्ति की जो केमिस्ट्री है, आदर्शों और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है, वे कभी कभी सारे गुणा भाग, सारे अंक गणित को निरस्त कर देती है, पराजित कर देती है। और इस बार अंक गणित को केमिस्ट्री ने पराजित किया है। और इस अर्थ में ये चुनाव अपने आप में देश और दुनिया को, पॉलिटिकल पंडितों को, कुछ लोगों की घिसी पीटी कैसेट है और वही दायरे में फिट कर करके एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये माना गया है कि पॉलिटिक्स इज अबाउट द परसेप्शन, ये माना गया है। लेकिन और हम वो लोग हैं जो हम जैसे हैं वैसे दुनिया हमें देख न ले, इसलिए 90% से अधिक ताकतें जो पिछले 50, 60, 70 साल में एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, वे दो काम करती रहती हैं। किसी भी हालत में हमारे विषय में सही परसेप्शन न बने, किसी भी हालत में न बने, इसके लिए जो भी झूठ का सहारा लेना पड़े लेना पड़े। और दूसरा, एक है जैसे परसेप्शन सही न पहुंचे तो दूसरा है हो सके उतने तर्क कुतर्क करके परसेप्शन को बर्बाद किया जाए, बिगाड़ा जाए, एक ऐसा भयानक परसेप्शन बना दिया जाए कि लोग पास खड़े रहने से डर जाएं। ये 70 साल तक चला है। पंडितों की ये थियरी होगी कि पॉलिटिक्स अबाउट द परसेप्शन, लेकिन उन पंडितों को दोबारा सोचना पड़ेगा कि दो चीजें ऐसी होती हैं जो परसेप्शन को तबाह करने की लाख कोशिश करने वालों को भी गंदा और बुरा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करने वालों के लिए भी उसको परास्त करके आगे बढ़ने की ताकत होती है।